Hey guys, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं पीसी गेम्स के बारे में। मैंने देखा है मेरी ऑडियंस में से ज्यादातर लोग ना आज भी बजट गेमिंग पीसी ऑन करते हैं। अब बजट गेमिंग पीसी पे मॉडर्न गेम्स वो भी हाई सेटिंग पे खेलना वो थोड़ा सा ना चैलेंजिंग हो जाता है। या तो आपको ग्राफिकल सेटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या आपको अच्छे फ्रेम रेट नहीं मिलते। तो मैंने सोचा एक काम करते, एक वीडियो बनाते हैं जहां पर आप लोग को बताते हैं कि आप कौन कौन से मॉडर्न गेम्स अपने बजट पीसी पे खेल सकते हो और आपको कितने FPS देखने को मिलेंगे। यहां पर ना पहले ही मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मेरा मतलब बजट गेमिंग पीसी से एक ऐसा पीसी है जहां पर आपके पास ऑलरेडी 8GB रैम है, आपके पास एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जो कि आज के लिहाज से वीक माना जाता है लाइक 1050 Ti, 1060 या एटलीस्ट आप वेगा GPU तो ऑन करे हुए हो, यानी कि आप IGPU यूज कर रहे हो। बिना ग्राफिक्स कार्ड के तो भाई आजकल का गेम खोलता भी नहीं है, खेलना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप कोई भी ग्राफिक्स कार्ड ऑन नहीं करे हो तो शायद आपको tibgstore.com से एक GPU अपने लिए परचेस कर लेना चाहिए। नाउ यहाँ पर आप अपने लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में यहाँ पर हमारा जो पहला गेम है वो है GTA 5। मैंने GTA 5 को बेसिकली इसी वजह से इंक्लूड करा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और लोग इंडिया में आज भी इसे बहुत ज़्यादा खेलते हैं। GTA 5 इकलौता ऐसा गेम है जिसको कि आप आज की डेट पे लिटरली हर ग्राफिक्स कार्ड पे खेल सकते हो। आप इस गेम में इजीली 70-80 FPS हाई सेटिंग पे अचीव कर सकते हो नो मैटर आप कौन सा ग्राफिक्स कार्ड आजकल ओन करते हो। हालांकि ये गेम ऑलमोस्ट 10 साल पुराना हो चुका है लेकिन स्टिल ठीक है, आप में से जो लोग लो एंड पीसी ओन करे हैं उनके लिए GTA 5 एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब नेक्स्ट गेम जिसको मैं यहाँ पर फीचर करना चाहता हूँ वो है कॉल ऑफ ड्यूटी World War 2। इस गेम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई आपने कॉल ऑफ ड्यूटी की अगर सीरीज खेली होगी तो आप इसके बारे में भी जानते होगे, यानी कि यहाँ पर आपको सोल्जर का रोल प्ले करना पड़ता है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आप लिटरली कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड आज की डेट पे ओन करे हो ना आप इजिली 80-90 FPS अचीव कर सकते हो और यहाँ पर आप ग्राफिकल सेटिंग मैक्सिमम जो है वो हाई भी रख सकते हो तो भी आपको FPS पे ज़्यादा हिट देखने को नहीं मिलेगा। ये गेम हालांकि थोड़ा सा पुराना ज़रूर है लेकिन स्टिल ग्राफिकल वाइज काफ़ी अच्छा लगता है और अगर आप आज की डेट पे एक बजट पीसी ऑन कर रहे हो और एक FPS गेम खेलना चाहते हो ना तो ये गेम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वेल, अभी तक मैंने आपको जितने भी पीसी गेम्स के नाम बताए ना, हो सकता हो आपके पीसी में बहुत अच्छे से चले या हो सकता हो थोड़ा फस-फस के चले या हो सकता हो ना भी चले, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि 100% कंफर्म होकर मैं कह सकता हूं वो आपके पीसी में जरूर चलेगी, जो कि है विंडोज 10 और विंडोज 11 की एक्टिवेशन कीज, जिसको कि आप जाकर हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से परचेज कर सकते हो। केवल 499 की देखने को मिल जाती है और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TIBG350 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करना। अब नेक्स्ट गेम जो यहां पर मैं फीचर करना चाहता हूं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है फोर्जा होराइजन 5। हो सकता हो सुनकर कुछ लोग चौंक जाएं कि भाई फोर्जा 5 बजट पीसी पे या लो एंड पीसी पे कैसे चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फोर्जा 5 जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज गेम है। लिटरली मैं आपको बताऊं, अगर आप GT 1030 जैसा भी ग्राफिक्स कार्ड ओन करे हो ना आप लिटरली इस गेम को खेल सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी यहाँ पर आपको अपस्केलिंग का भी मेथड देखने को मिल जाता है तो आप 1080p रेजोल्यूशन विद 60 FPS मीडियम टू हाई सेटिंग इजिली आप इस गेम को खेल सकते हो अगर आप 1030 या उससे अबव कोई भी ग्राफिक्स कार्ड ओन करते हो। तो फोर्जा 5 मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अब लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट गेम है जिसको मैं यहाँ पर फीचर करना चाहता हूँ वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है लेकिन स्टिल आप उसे बजट सेगमेंट के पीसी पे आराम से खेल सकते हो, वो है गॉड ऑफ वॉर। जी हाँ, आपने यहाँ पर सही सुना, गॉड ऑफ वॉर को आप लिटरली बहुत आराम से खेल सकते हो। इस गेम को खेलने के लिए यहाँ पर आपको ग्राफिकल सेटिंग के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा प्लस FSR का यूज करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ आप इजिली 40-50 FPS आराम से अचीव कर सकते हो, लो सेटिंग यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी। पर्सनली मैं मानता हूँ अगर आपको 40-50 FPS मिल रहे हैं अपने बजट पीसी पे गॉड ऑफ वॉर को एंजॉय करने के लिए मोर देन इनफ है। मैंने देखा भाई लोग PS4 पे इसे 30 FPS पे खेलते हैं और बहुत मजे से खेलते हैं, मैंने खुद पर्सनली कई बार खेला है, मुझे अच्छा लगा। 50 FPS बजट पीसी पे अगर आपको मिल रहे हैं गॉड ऑफ वॉर इंजॉयबल रहता है। अब नेक्स्ट गेम जो हमारी लिस्ट में है वो है Far Cry 6। फायर क्राई 6 थोड़ा सा ऑप्टिमाइज गेम है, अगर आपके पास थोड़ा सा लो एंड हार्डवेयर है आप उस पर भी फायर क्राई 6 बहुत आराम से खेल सकते हो। इस गेम की जो रिक्वायरमेंट है वो तो खैर ज़्यादा हो जाती है अगर आप अपनी ग्राफिकल सेटिंग को थोड़ा सा हाई करते हो, लेकिन अगर आप ग्राफिकल सेटिंग के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो तो आप इस गेम को एक बजट सेगमेंट की पीसी पे आराम से खेल सकते हो। आपको बस यहाँ पर अपनी ग्राफिकल सेटिंग को लो और मिड का मिक्सचर रखना है, देन यहाँ पर आप इजिली 55-60 FPS अचीव कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपको फायर क्राई 6 में स्टोरी देखने को मिलती है वो भी मैं मानता हूँ
7/10 मैं उसको रेटिंग देना चाहता हूँ, तो ठीक है आप अगर इंजॉय करना चाहते हो यू विल इंजॉय। अब हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट गेम है जिसको मैं यहाँ पर फीचर करना चाहता हूँ वो है स्पाइडरमैन का माइल्स मोरालेस। जी हाँ, हो सकता हो कुछ लोग सोचें कि भाई माइल्स मोरालेस बजट सेगमेंट के पीसी पे कैसे चल सकता है। आपको यहाँ पर बस सेटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, यानी कि ग्राफिकल सेटिंग थोड़ी सी लो रखनी पड़ेगी। देन यहाँ पर आप 1050 Ti जैसे ग्राफिक्स कार्ड पर भी ना 45-50 FPS आराम से अचीव कर सकते हो। बाकी स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी है, तो स्विंग करते टाइम यहाँ पर आपको फ्रेम ड्रॉप उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते जितना कि रीमास्टर्ड वर्जन में देखने को मिलते थे। ये गेम थोड़ा सा लाइट हो जाता है स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट के मामले में, तो ये गेम बजट पीसी के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब नेक्स्ट गेम के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा आजकल ऑप्टिमाइज भी है। अगर आप एक बजट सेगमेंट का पीसी ओन कर रहे हो तो मैं मानता हूं आपको उस गेम को जरूर ट्राई करना चाहिए, जो कि है रेड डेड रिडेम्पशन 2। अब RDR2 को अगर आप थोड़ा सा हाई सेटिंग या अल्ट्रा सेटिंग पे खेलने बैठ जाते हो तो डेफिनेटली इसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ग्राफिकल सेटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो और आप FSR यूज करने में कंफर्टेबल हो तो भाई Red Dead Redemption 2 1050 Ti 1060 जैसे ग्राफिक्स कार्ड में बहुत आराम से चल जाता है। मैंने देखा है अगर आप ग्राफिकल सेटिंग को बिल्कुल लो सेट कर देते हो और FSR को बैलेंस पे रख देते हो, FHD रेजोल्यूशन पे चलाने के बावजूद भी यहाँ पर आपको आउटपुट जो देखने को मिलता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही क्लीन होता है। प्लस वहाँ पर जो आपको फ्रेम रेट देखने को मिलते हैं ना वो भी आपको लगभग 45, 50, even 55 तक भी देखने को मिल जाता है, डिपेंड करता है सीन गेम था गेम में कौन सा चल रहा है। तो RDR2 एक अच्छा और एक बहुत ही लाइट वेट गेम भी हो सकता है, और अगर आप थोड़ा सा हाई सेटिंग पे खेलना चाहते हो तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हैवी गेम होने वाला है। बाकी अगर आप थोड़े बहुत और भी गेम्स ट्राई करना चाहते हो तो आप मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप Assassin's Creed Valhalla को भी ट्राई कर सकते हो। वो बहुत हैवी भी गेम है और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी गेम है, बजट पीसी पे चल जाएगा। और आप Days Gone को भी ट्राई कर सकते हो, वो बहुत लाइट वेट गेम है, आप इजिली उसे हाई टू मीडियम सेटिंग 55 FPS तक खेल सकते हो अपने बजट पीसी पे भी। बाकी अगर आपके माइंड में कोई गेम है जो मुझसे रह गया है ना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ने वाला हूँ और हो सकता हो आप कमेंट में पिन भी कर दो। वेल तो दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।